Hello student, today we see the next, that is the PLC hardware and programming. Okay, PLC hardware and programming. In this we see the discrete input module. Okay, in discrete input module there are two types, that is AC input module and DC input module. Okay, in this most commonly used in PLC is a discrete input module. ओके मोस्ट ऑफ द जो पीएलसी में हम लोग यूज़ करते हैं वो रहते हैं डिस्क्रीट इनपुट मॉडल्स होते हैं. ओके द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द फील्ड डिवाइस टू द पीएलसी आर आइदर एसी और डीसी बेस्ड ऑन देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट इनपुट मॉडल. ओके जो भी सिग्नल आता है आपको फील्ड डिवाइसेस से पीएलसी को वो एसी हो सकता है या फिर डीसी हो सकता है विच इज बेस्ड और जो भी टाइप से उसमें मीन्स एसी इनपुट मॉड्यूल है या डीसी इनपुट मॉड्यूल है. ओके सो डिटेल्स में देखने वाले हम लोग एसी मॉड इनपुट मॉड्यूल इन टुडेज लेक्चर. ओके सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी इनपुट मॉड्यूल. ओके इन ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी इनपुट मॉड्यूल देयर इज इनपुट दैट इज द इनपुट सिग्नल एंड देन आफ्टर दैट इट इज द ब्रिज रेक्टिफायर देन नेक्स्ट इट इज द नॉइस एंड the bounce filter. Okay, after that it is a threshold detector. Okay, then after optical isolator, logic, and logic also have a LED as a output. Okay, and CPU central processing unit and input status table. Okay, this is the block diagram of AC input module. Then see the working of this AC input module. Then see, first, the discrete input module receives signal of a specific value representing the on or off state of the system. Okay, जो भी discrete input module है वो क्या receive करता है signal, specific value signal जो है वो receive करता है वो हम लोग किसमें represent कर सकते हैं on or off state of the system. Okay, then कॉमन इनपुट इंक्लूड्स लिमिट स्विचेस प्रॉक्सिमिटी स्विचेस फोटो सेंसर्स रिलेज. ओके जो भी कॉमन इनपुट्स रहते हैं वो कौन से रहते हैं अपने, एक तो लिमिट स्विचेस रहते हैं, फिर प्रॉक्सिमिटी स्विचेस रहते हैं या फिर फोटो सेंसर्स रहते हैं या रिले. ओके आफ्टर दैट सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इनपुट मॉड्यूल इज कंसिडर्ड एज अ लोड फॉर द फील्ड इनपुट डिवाइस. ओके जो भी इनपुट क्या है मॉड्यूल है वो कंसिडर्ड करते हैं हम लोग एज अ लोड फॉर द फील्ड इनपुट डिवाइस. ओके देन इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज ए सी सिग्नल टू 5 वोल्ट डी सी सिग्नल विच कैन हैंडल द पी सी. मीन्स क्या होगा ये जो हम लोग इनपुट सिग्नल यूज कर रहे हैं वो क्या कन्वर्ट करेगा, इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एसी सिग्नल टू डीसी सिग्नल कन्वर्ट करेगा जो कि पीएलसी क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है. ओके आफ्टर दैट ओके सी द डिस्क्रीट इनपुट मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ब्लॉक. अभी हम लोग ब्लॉक वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे. फर्स्ट ब्लॉक था अपना रेक्टिफायर. ओके ब्लॉक डायग्राम में सो वो क्या करता है, इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर विच कन्वर्ट इनपुट एसी सिग्नल टू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल. ओके वो क्या करेगा, एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा ब्रिज रेक्टिफायर. ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट है नॉइस डिबाउंस फिल्टर. अभी नॉइस डिबाउंस फिल्टर क्या करता है वो भी देख लेंगे. नॉइस डिबाउंस फिल्टर द डीसी सिग्नल फ्रॉम द रेक्टिफायर, जो भी रेक्टिफायर से डीसी सिग्नल आता है इज अप्लाइड टू द नॉइस एंड डिबाउंस फिल्टर. वो किसको जाएगा, नॉइस और डिबाउंस फिल्टर को जाएगा एज द सिग्नल फ्रॉम द रेक्टिफायर इज नॉट प्योर सिग्नल. ओके जो भी रेक्टिफायर से सिग्नल आता है वो प्योर सिग्नल नहीं होता. ओके सो ओके सो एज द सिग्नल फ्रॉम द रेक्टिफायर इज नॉट अ प्योर सिग्नल द सिग्नल फ्रॉम दिस ब्लॉक इज क्लीन एंड डिबाउंस्ड डीसी सिग्नल फॉर थ्रेशोल्ड डिटेक्शन. अब इसमें क्या होगा, जो भी सिग्नल है वो क्या होगा, क्लीन करेगा सिग्नल को ये जो डिबाउंस फिल्टर है और उसको जो भी सिग्नल है आपका वो डिबाउंस्ड होगा और
डिबाउंस द डीसी सिग्नल फॉर थ्रेशोल्ड डिटेक्शन. जो भी थ्रेशोल्ड डिटेक्शन करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी सिग्नल है आपका इसमें डिबाउंस हो जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा. ओके, सो मेन फंक्शन ऑफ नॉइज डिबाउंस फिल्टर का क्या है, इट विल क्लीन द सिग्नल एंड डिबाउंस द डीसी सिग्नल फॉर द थ्रेशोल्ड डिटेक्शन. ओके, आफ्टर दैट सी द थ्रेशोल्ड डिटेक्टर. ओके, सी थ्रेशोल्ड डिटेक्टर. This section detects whether the level of input signal has exceeded the set value. Depending on this, it is classified as on or off signal. Okay, threshold detector किस लिए हम use करते हैं, ये क्या करता है, detect करता है section, कौन सा section detect करता है, जो भी अपना input signal है वो उसका जो level है वो अपना जो सेट किया हुआ पॉइंट है उसके एक्सीड हुआ है क्या, वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा. ओके, डिपेंडिंग किस में डिपेंड रहेगा, वो ऑन और ऑफ सिग्नल के ऊपर डिपेंड रहेगा. ओके, सो टिपिकली ऑफ स्टेट इज इन बिटवीन 0 to 20 वोल्ट. ऑफ स्टेट का जो रेंज है 0 to 20 वोल्ट रहता है एसी एंड वैलिड. ऑन स्टेट इज इन बिटवीन, ऑन स्टेट का जो भी रेंज है वो क्या रहता है, 80 to 130 वोल्ट एसी. ओके, अभी इसमें जो है आपको डायग्राम भी देखिए, देखो ऑन स्टेट का रेंज दिया है 80 to 130 वोल्ट और ऑफ स्टेट का दिया है 0 to 20 वोल्ट. ये क्या है, आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मीन्स ये सेट किए हुए वैल्यू रहती है. अगर ये एक्सीड हो गई है, ठीक है, अगर ये वैल्यूज क्या होगी, कम ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, जो भी ये थ्रेशोल्ड डिटेक्टर है वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा और फाइंड आउट करेगा कि कहाँ पे वैल्यू आपकी क्या हो रही है, एक्सीड हो रही है. ओके, तो थ्रेशोल्ड डिटेक्टर का काम क्या है, सिर्फ जो भी आपने स्पेसिफिक वैल्यू रखी है वो एक्सीड हुई है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये थ्रेशोल्ड डिटेक्टर यूज करते हैं. ओके, आफ्टर दैट वी सी द ऑप्टिकल आइसोलेशन. ओके, इन ऑप्टिकल आइसोलेशन व्हाट विल हैपन, द फिजिकल सेपरेशन बिटवीन पीएलसी एंड फील्ड डिवाइस आउटसाइड द पीएलसी इज प्रोवाइडेड बाय ऑप्टिकल आइसोलेटर. इसमें क्या होगा, जो भी फिजिकल डिवाइसेस है उसमें सेपरेशन होगा बिटवीन पीएलसी एंड फील्ड डिवाइस. ओके, और आउटसाइड द पीएलसी उसको हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑप्टिकल आइसोलेटर प्रोवाइड करेंगे. ओके, इट इज बेसिकली ऑप्टो आइसोलेटर और ऑप्टोकपलर. ये कौन सा रहेगा, बेसिकली ऑप्टो आइसोलेटर रहेगा या फिर ऑप्टोकपलर, दोनों सेम ही है. ओके, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सर्किट विच सेपरेट हाई वोल्टेज सिग्नल सर्किट फ्रॉम लो वोल्टेज सीपीयू सर्किट. ओके, इसमें क्या होगा, जो भी आपका क्या है, सर्किट में सेक्शन है. ओके, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द सर्किट विच सेपरेट, ये क्या करेगा, जो भी हाई वोल्टेज सिग्नल है सर्किट में वो लो वोल्टेज जो भी सर्किट है सीपीयू के इसमें उसको उन दोनों को क्या करेगा, सेपरेट करेगा. ओके, और ऑलरेडी आपको ऑप्टो आइसोलेटर और ऑप्टोकपलर का जो है फंक्शन ऑलरेडी जो है आपको प्रीवियस सेमिस्टर में हो गया है फंक्शंस. ओके, सो नेक्स्ट है लॉजिकल सेक्शन. ओके, सो लॉजिकल सेक्शन में आपको देखो क्या है, the DC signal from the isolation section are used by logic section to pass the input signal to the module input address LED and CPU. means इसमें क्या होता है, जो भी अपना DC signal है isolation section को, means isolation section उसको use करता है, DC signal from isolation section, means isolation section से जो DC signal हम लोग लेते हैं वो कौन use करता है, logic section use करता है. किसके लिए, टू पास द इनपुट सिग्नल टू द मॉड्यूल इनपुट. जो भी इनपुट सिग्नल है वो आपका जो भी मॉड्यूल इनपुट यूज किया है वहाँ पे पास करने के लिए हम लोग ये लॉजिक सेक्शन यूज करते हैं. और वो जो है एलईडी क्या इंडिकेट करता है, अगर वो ऑन हुआ तो वो एड्रेस जो भी इनपुट सिग्नल है वो पास हुआ है, एंड सीपीयू भी हम लोग एड्रेस यूज कर सकते हैं. ओके, एलईडी आर यूज टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ इनपुट सिग्नल. ओके, एलईडी हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ इनपुट सिग्नल. ओके, सो इस तरह जो है आपका ब्लॉक डायग्राम का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ब्लॉक डायग्राम भी देखा है हम लोगों ने. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.